ओम शांति। बैलेंस जीवन में इतना जरूरी है जितना जरूरी हमारा जीवन जीना जरूरी है, ऐसे अनुभव से लगता है। बैलेंस जब कभी इसका खराब होता है जीवन में, किसी बात को लेकर के कहीं पर हम समय पर पहुंचते नहीं हैं और समय से घर नहीं पहुंचते हैं, आप देखो उसके विपरीत में क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रकार से हम कोई साधन मिस कर रहे हैं, कोई गाड़ी मिस कर रहे हैं, और दूसरे लोगों के थॉट्स चल रहे हैं, और कोई चीज़ें कई प्रकार की हो जाती है। कई बार में ये समझा जाता है कि ये व्यक्ति की हम मिसाल इसलिए देते हैं कि भाई इसका सब कुछ नपातुला है, इस व्यक्ति का जीवन इतना संतुलन वाला है, इतना मिसला है, मिसाल के तौर पर है कि ये देखो तो उसका सब कुछ संतुलन में है। उसका जागना, उसका सोना, उस व्यक्ति का हर प्रकार का कर्म संतुलन का है। तो संतुलन जीवन आज के ज़माने के कंप्यूटर से या कंप्यूटर सिस्टम, जिसको MISM कहते हैं, मैनेजमेंट इन सिस्टम्स, ऐसे जीवन से कंपेयर किया जा सकता है कि जैसे ऑटोमेटिक हमने कहा कि ये कंप्यूटर में कमांड दिए है, इतने बजे अलार्म बजेगा, इतने बजे ये काम, इतने बजे ये, तो सारी चीज़ें उसके जीवन में ऐसे मिसाल के तौर पे कंप्यूटर, क्योंकि मनुष्य ने बनाया है और ये हमारा सारा जीवन परमात्मा की देन है। तो परमात्मा के आधार से अगर हम इसको जिए, अध्यात्म के आधार से जिए, बैलेंस बनाकर जिए, अध्यात्म का बैलेंस जीवन में कितना हमारा ज्ञान योग का हो, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितना हमें लौकिकता संसार में समय डिवोट करना चाहिए, इन बातों का एक बड़ा संतुलन बनाना चाहिए। और खान पान जैसे बताया, एक छोटी मिसाल देते हैं। यज्ञ में मनमोहिनी दीदी जो एडमिनिस्ट्रेटर भी रही साकार ब्रह्मा बाबा के बाद, उनको एक बार में कोई अमृत वेला जैसे संस्थान में होता है ब्रह्म मुहूर्त के योगाभ्यास, तो वो समझो कि आपको 4:45, 4 PM 45 पे ये ख़त्म होना है, तो करके उसने 4 बज करके 4:50 पे फिनिश किया। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा मैंने, चलो वो जो गीत बजा आगे योगाभ्यास सभी सभी का 5 मिनट एक्स्ट्रा हुआ। तो मेजोरिटी में वापस तो जो रिकॉर्डिंग में बैठा था उन्होंने ये कर दिया। अच्छा, उसके बाद परिणाम उस दिन का क्या रहता है, दीदी ने जो रिजल्ट देखा उस दिन, पहली बार उनके पुरुषार्थी जीवन में इतना बड़ा मिसाल, मैंने कहा कि मेरा संतुलन, मेरा पंक्चुअलिटी का जो मेरा ये इतने वर्षों का रिकॉर्ड था, क्लास मुरली क्लास पर समय पर वो ना पहुंच सके, मुरली समय पर वो फिनिश नहीं कर सके, नाश्ते पर समय पर नहीं पहुंच सके, उन चीज़ों को लेकर के फिर उन्होंने थोड़े समय दोपहर के समय वो रिकॉर्ड पर बिठाया था। जो भाई कहा, देखो प्यार से बुला करके कुछ कहा कि भाई ये चीज़ें क्या ये रोज़ हो सके, कभी ये जो किया है, ये 5 मिनट्स का जो डिफरेंस है उसके क्या क्या परिणाम आज हुए हैं। पहली बार दीदी ये इस प्रकार क्लासरूम में भी समय पर नहीं, मुरली पर भी समय पर नहीं, नाश्ते पर भी, और जब मैं मुरली के ये अमृत वेला योगाभ्यास के बाद गई तो वो बकेट मैंने के जो पानी का था तो वो भी मैंने दोबारा गर्म करना पड़ा, तब लकड़ी से करते थे, तो वो एकदम ठंडा पड़ गया क्योंकि ठंडी आबू की इतनी ज़्यादा होती है, तो ये एकदम से ठंडा हुआ, फिर स्नान में ठंडा हुआ, ये ठंडा हुआ करके मुरली क्लास में लेट आने का कारण वो केवल वही एक्स्ट्रा 5 मिनट्स बजे। भले कल्याणार्थ वो समझता है रिकॉर्ड लगाने वाला कि मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा सबका योग लगवा दिया शिव बाबा से, इसके मुझे क्रेडिट मिले, परंतु वो दीदी कहते हैं वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, बैलेंस को खराब करना अर्थात कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अनेकों के वेस्ट थाट का इसके कारण हमारा अकाउंट्स जो है निगेटिव हो जाता है, वो जो ब्लेसिंग और हमारे को मिलने थे वो भी कहीं ना कहीं नहीं मिलते हैं। तो ये जीवन को कैसे जिए, संतुलन के आधार से जीना होता है। ये अपने जीवन में कार्य का संतुलन,
आराम का संतुलन, नींद का संतुलन और प्रकार के कोई मनोरंजन के लिए संतुलन, ये सभी बातों का कोई अपने जीवन में अगर संतुलन बना ले तो जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, संतुलन वाली जीवन। उस व्यक्ति पर कोई किसी प्रकार से ऊंची दृष्टि से उस व्यक्ति के जीवन को लोग देखते हैं, मिसाल के लिए देखते हैं, साकार बाबा की जीवन जैसी थी, उनके इसे जैसे बताया कंप्यूटर जैसा जीवन, बहुत सिस्टम वाले जीवन, मिसाल जैसी जीवन, हर चीज उनका एक बैलेंस में था, हर चीज, एक्स्ट्रा बोल भी नहीं, 20 बोलने की जगह 2 बोल बोलने हैं और वो महावाक्य जैसे बोल हैं, ऐसे बाबा का ऐसा जीवन था। तो जब जीवन में प्रैक्टिकल में ये संतुलन आता है तो समझते हैं हम कि बोलचाल में भी संतुलन बन जाता है और हमारा देखने में भी संतुलन बन जाता है, हमारा सुनने में भी संतुलन बन जाता है और अपना एक जीवन श्वास की गति में भी संतुलन बन जाता है और इस प्रकार शारीरिक सेहत में भी संतुलन बन जाता है, क्योंकि आत्मा के आधार से ही सारा हमारा शारीरिक क्रियाएं कंट्रोल होती हैं। तो ये एक संतुलन का बड़ा गहरा संबंध हमारे पूरे जीवन चक्र के साथ है। और अभी समझा जाए कि सतयुगी व्यवस्था का भी अगर छोटा सा अगर यहाँ पर कोई मिसाल देखना चाहिए, मैं समझता हूँ पूरे 2 युग तक कोई भी प्रकार का संतुलन कहीं खराब नहीं किया होगा हमने, पूरी सारी बातें हमारे, तब बाबा कहता है वहाँ तो मृत्यु भी समय पर है, हर चीज़ में संतुलन है, वहाँ पर संतुलन का संसार कह सकते हैं, ऐसा वो दुनिया है। तो ये भी हम यहाँ संस्कार अपना यहाँ से बनाते हैं। अभी वर्तमान जीवन में हमारा जो है संतुलन तमोप्रधान में जैसे हम आ गए, यही हमने बिगाड़ करके रखा है जीवन चक्र का संतुलन। तो ये संतुलन को वापिस अपनी अच्छे से हम कर देते हैं जीवन में, तो हमें वो आज ही सतयुगी जीवन जीने जैसा पूर्णतः आभास होगा, पूर्णतः एक खुशी का भी मैंने स्टॉक हमारा बढ़ता है, खुद से भी ब्लेसिंग हमें खुद को प्राप्त होते हैं और दूसरों से भी, जिनों को हमारे बैलेंस्ड जीवन से लाभ होता है और परमात्मा बाप से भी हमको ब्लेसिंग मिलते हैं, क्योंकि हम उसके कहे अनुसार जीवन को अपना ऐसा डाल रहे हैं या बना रहे हैं। तो ये एक शब्द बैलेंस शब्द नहीं हो करके हमारे जीवन की उन्नति का एक एक साधन है, एक हमारा विधि है, एक हमारा, और इस विधि में ही जीवन अच्छा बनने की सिद्धि है। ओम शांति।